हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एसडी वर्मा और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक एक्सकेवेटर मशीन को या पोपलैंड मशीन को कैसे चलाया जाता है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये है अपने पास कोबेल्को की 140 सुपर एक्स मशीन। आप देख सकते हैं 140 एचडी। एचडी ये है कि हैवी ड्यूटी है इसमें सिस्टम, हैवी ड्यूटी बूम और हैवी ड्यूटी ये आम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास इस मशीन की इग्निशन की या जिसे चाबी बोलते हैं वो होनी चाहिए। ये है कोबेल्को 140 की स्मार्ट की या जिसे चाबी बोलते हैं। तो इसको लॉक को ओपन करके ये 180 डिग्री का जो डोर है दिया गया है, यहाँ पर स्मार्ट लॉक दिया गया है। और देखिए दोस्तों, जिसके पहले चलाने के लिए मशीन में देख लेते हैं हमारी कोबेल्को मशीन का की होल्डर। तो इसमें की होल्डर में जो इग्निशन स्विच है इसमें चाबी लगाएंगे। तो इसमें तीन ऑप्शन दिए गए, एसी, ऑन, स्टार्ट और ऑफ। ये एसी का है जिसमें सिस्टम क्या है, इसमें एसी एसी ऑन रहेगी और इसमें ऑन में क्या है, ये स्विच लगेगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये है डिजिटल मीटर, साथ में एनालॉग मीटर दिए गए हैं हीटिंग का और डीजल फ्यूल का, और उसमें कुछ 8 बटन दिए गए हैं। सबसे पहला बटन ये है, इसको हम चेंज करेंगे तो इसमें टाइम चेंज होएगा, सेटिंग हो जाएगी इसमें। जैसे कि इसमें इंजन फ्यूल, इंजन ऑयल का दिखा रहा है, फ्यूल फिल्टर दिखा रहा है, हाइड्रोलिक फिल्टर दिखा रहा है, कितने टाइम बाद में चेंज करना है अपने को, लास्ट में ये टाइम दिखा रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये दूसरा बटन है, ये स्मार्ट बर्जर बटन है, इसके जो मेन फंक्शन स्टार्ट करने के लिए काम लिया जाता है। इसका यूज हम जो मीडियम या स्टैंडर्ड मोड या जिसे हैवी मोड है इसमें चेंज कर सकते हैं। बटन है ये जो इंटर का है, इंटर बोलते हैं जैसे कि किसी के हम जैसे टाइम सेटिंग करना है और वगैरह, कंस्ट्रक्शन से जो क्लॉक से या कंस्ट्रक्शन सेटिंग स्विच सेटिंग होती है, स्विच सेटिंग के अंदर हम देखेंगे तो इसमें ऑटो वार्म अप है, इसको ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। ऑटो वार्म अप के बाद में अगला उसमें ऑटो आइडियल स्टॉप, जैसे कि मशीन अपने आप जैसे नॉर्मल RPM पे आ जाएगी और अपने आप स्टॉप हो जाएगी जैसे सीट पर नहीं बैठेंगे तो। और ये स्विंग प्लेसर जो इस मशीन में नहीं दिया गया, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये वापस रिवर्स का ऑप्शन आ गया, बैक इससे बैक भी हो जाएगा। ये बटन है ना, ये बटन जो RPM का और जो स्टैंडर्ड RPM है उसको, मतलब जैसे कि हम कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उसमें ये स्टैंडर्ड RPM पे आ जाएगा, ये बटन ऑन होता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये आ रहा है। और ये जो छठा बटन है, ये आपका जो रनिंग स्पीड है, ये इसको बढ़ाने या घटाने के लिए, इसमें कछुआ मोड और खरगोश मोड या जैसे मतलब हाई लो या स्पीड जो जो भी बोल सकते हैं आप। और ये है वाइपर का मोड बटन, और ये है अपने वाइपर के साथ पानी चलाने का बटन, इसमें पानी भी चला सकते हैं और इसमें वाइपर भी साथ, इसमें ओनली वाइपर चलेगा, इसमें पानी के साथ में चलेगा वाइपर। और उसके बाद में आ सकते हैं मेन कंट्रोल है, ये हाइड्रोलिक लीवर, ये जब तक नीचे नहीं होगा तब तक मशीन कोई भी काम नहीं करेगी। तो इसके लिए अपने आपको चेक करवा के देख दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये स्टार्ट की, अपनी मशीन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब ये हाइड्रोलिक लीवर ऊपर है, तो मैं इसमें कोई भी लीवर लाऊं, कोई भी फंक्शन करूं, मैं इसमें कोई भी काम नहीं कर रहा है, मशीन स्टार्ट अपनी ये आप देख सकते हैं कि कोई भी काम नहीं कर रहा है। जैसे ही मैंने हाइड्रोलिक लीवर ये नीचे किया, इसमें ऑन हो गया सिस्टम। साइड में ये एक ये लीवर और एक ये लीवर, इसमें दो लीवर दिए गए हैं साइड में अपने को जो बॉकेट चलाने के काम आते हैं, और ये दो पैटर्न दिए गए हैं, इससे आप आगे करेंगे तो आगे होएगा, पीछे करेंगे तो पीछे होएगा। ठीक है, इसको आप हाथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये फुट रेस्ट दिए गए हैं दो साइड में। ठीक है, बॉकेट चलाने के लिए पहले सर जैसे कि ये मशीन बॉकेट आपको देख रहा होगा, बॉकेट को नीचे है अभी, उसको ऊपर उठाने के लिए इसमें हम इस लीवर को पीछे की तरफ खींचेंगे, ऐसे पीछे की तरफ खींच रहे हैं तो ये ऊपर उठ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो कंप्लीट बूम ऊपर उठ रहा है, और नीचे डालने के लिए नीचे करेंगे ऐसे, देख रहा है दोस्तों आपको। और
इसमें ये दूसरा लीवर है, इसको साइड में करते हैं तो बॉकेट खुल जाएगा लेफ्ट में, और लेफ्ट में करते हैं तो ये बॉकेट बंद हो जाएगा, राइट में करते हैं तो ये बॉकेट खुल जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप, लेफ्ट राइट। और इसका ये लीवर है, ये है इसको डिपर को अंदर लेने के लिए, डिपर आर्म को अंदर लेने के लिए, बाहर लेने के लिए। और ये अंदर, ये बाहर। इस पेडल को आगे दबाएंगे तो यह मशीन आगे फॉरवर्ड चलेगी, और बैक दबाएंगे तो ये रिवर्स चलेगी। आप देख सकते हैं रिवर्स फॉरवर्ड। ये दोनों लीवर अलग अलग चैन के हैं, इस चैन के लिए ये लीवर, लेफ्ट वाली के लिए, राइट वाली के लिए राइट वाला लीवर। जैसे भी ये, इसको आप जैसे ट्रैक्टर में होते हैं साइड ब्रेक सिस्टम, वो सिस्टम है इसका। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बॉकेट भर के दिखाता हूँ, जैसे कि देख रहे हैं आप, बॉकेट भरने के लिए इस वाले लीवर को, मैं ये लीवर बंद करने के लिए इस वाले बॉकेट लीवर को हम लेफ्ट में कर रहा हूँ, और उठाने के लिए अप कर रहा हूँ। ठीक है, और स्विंग कराने के लिए इसको मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, लेफ्ट स्विंग कराना है तो, और राइट स्विंग कराना है तो राइट में करूँगा मैं। ठीक है, और आर्म को जो दूर करने के लिए या पास करने के लिए हम पास में करेंगे, दूर करने के लिए दूर में करेंगे। ठीक है, और पॉकेट को ओपन करने के लिए इस लीवर को, राइट वाले लीवर को हम राइट में करेंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है या कोबेल्को मशीन या एक्सकेवेटर मशीन के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं। हमारे चैनल SMS सानी को सब्सक्राइब कीजिए, और जल्दी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि एक्सकेवेटर मशीन या पॉपलाइन मशीन और JCB मशीन के में कैसे फ़र्क होता है, क्या उसमें चलाने में जो डिफरेंस होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो